तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी बैग जीतना चाहते हैं? क्या आप भी एंड्रॉयड मोबाइल जीतना चाहते हैं, वो भी फ्री में? तो चलिए, आप कैसे आपको यह बाइक और एंड्रॉयड मोबाइल कैसे जीतना है फ्री में, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। कि आपको बैग और एंड्रॉयड मोबाइल जीतने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होनी चाहिए जो कि 6 महीने पहले इंडिया में लॉन्च हुई थी। इसका नाम हैगो है और आप इस एप्लीकेशन के बारे में जानते भी होगे क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हो चुकी है और पॉपुलर एप्लीकेशन है। तो भाई आप जानते ही होंगे कि आपने यूज भी किया होगा, तो इसको कैसे यूज करना है सही तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उसकी सहायता से आप बाइक भी जीत सकते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल भी जीत सकते हैं और इसमें है ना रिचार्ज होते हैं और आप रिचार्ज भी जीत सकते हैं। मैंने सोचा आज आपके लिए एक वीडियो बना दूँ जिससे कि लोगों का कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, और बस आपको इस फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। तो वीडियो को भाई अंत तक देखते रहिए और जब ये आपको पता पड़ेगा कि कैसे आप ये ट्रिक को अप्लाई करोगे, जैसे जैसे मैं ट्रिक को अप्लाई करूँगा वैसे वैसे आपको करना है और आप इसकी सहायता से आपके जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। वैसे तो आप भी सारे पार्टिसिपेट करते होगे पर आप है ना जीतते नहीं होगे फ्रेंड, मेरे को पता है। तो मैं आपको एक ट्रिक और ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छी ट्रिक्स हैं। तो चलिए मैं हैगो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। हैगो एप्लीकेशन को ओपन करते ही आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस इस तरीके से आता है। इसमें सबसे पहले बहुत सारे गेम ही आए थे और जो कि बहुत ही छोटे मोटे गेम थे और इसमें धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई और इसने भी एप्लीकेशन वालों ने भी इसमें बहुत वर्क किया और इसमें अच्छे अच्छे गेम आते गए और इसके फीचर्स भी बढ़ते चले गए। सबसे पहले इसमें है ना कॉइन मोड आया था, कॉइन की सहायता से आप रिंग वगैरह खरीद सकते थे जो कि मिरर टाइप की रहती है इस गेम में। और उसके बाद इसमें कॉइन मोड से रिचार्ज का ऑप्शन आया, उसके बाद रिचार्ज मोड के ऑप्शन के बाद इसमें आप देख सकते हैं कि अब इसमें कॉन्टेस्ट वाला ऑप्शन भी आ गया है। और कॉन्टेस्ट वाले ऑप्शन को जाने के लिए इसमें यहाँ से आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पर अपनी आईडी पे क्लिक करना है। आईडी पे आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉप पॉइंट का ऑप्शन है, आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है। शॉप वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे शॉप एंड कॉइन्स पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेजर हंटर वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है और नीचे आप एक्शन कॉइन देख सकते हैं और आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। ये आपको यहाँ से 200 रुपये तक के रिचार्ज अवेलेबल कराता है और यहाँ से आप ऊपर देख सकते हैं अगर आप कॉन्टेस्ट खेलते हैं तो देखिए, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि देखिए 10 रुपये का रिचार्ज 4000 कॉइन का है, 4100 रुपये का, वो हाँ 4100 का कॉइन है। और ऊपर आप कॉन्टेस्ट में जीतते हैं तो आप 10 कॉइन में ही 10 रुपये का रिचार्ज जीत सकते हैं। तो इसमें कॉन्टेस्ट वाले में बहुत फ़ायदा रहता है, पर इसमें अपना कार्ड लगना ज़रूरी होता है। अगर अपना लकी कार्ड लग जाता है तभी आप ये 10 रुपये का रिचार्ज ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आपको कैसे यूज करना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको है ना ये देखिए एंड्रॉयड मोबाइल और बाइक के बारे में बात करना है अपन को, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ से कि आपको 200 रुपये का एंड्रॉयड मोबाइल वाला है कार्ड और 400 कॉइन का बाइक वाला कार्ड है। तो आपको फ्रेंड्स डेली आपको कार्ड को ख़रीदना है। मैं अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ इस वीडियो की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ना डेली 10 कार्ड को ख़रीदना है, 10 से ज़्यादा नहीं ख़रीदना है आपको। और 10 कार्ड को ख़रीदने के बाद आपको उनका इंतजार करना है कि ये ना कार्ड नंबर आपका लग रहा है या नहीं लग रहा है। और सबसे और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि कार्ड ख़रीदते हो तो कब ख़रीदें आप। तो कार्ड ख़रीदने का इसमें है ना आपको मैं आपको बता दूँ कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप ध्यान से सुनना कि कार्ड आपको कब ख़रीदना है। तो कार्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर टाइमिंग शो हो रही है, टाइमिंग शो हो रही है ऊपर, तो आपको है ना टाइमिंग के हिसाब से कार्ड को ख़रीदना है। तो टाइमिंग के हिसाब से कार्ड को कैसे ख़रीदना है मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पर घंटे मिनट सेकंड चल रही हैं। तो आपको है ना जब जो कॉन्टेस्ट देखिए आप, मैं आपको बता देता हूँ साइड में यहाँ पर 1 मिनट रह गया है ये 10 रुपीज़ वाला कार्ड ख़रीदने के लिए। तो आपको है ना ये ऐसे इंतज़ार करना पड़ेगा कि जैसे ही ये कॉन्टेस्ट ख़त्म हो दूसरा कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो, तो जब आपको तुरंत 10 कार्ड खरीद लेने हैं जैसे कि कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है ना उसी टाइम आपको
आप बीच में कॉन्टेस्ट में आप बीच में पार्टिसिपेट करोगे, आपके चांस घट जाएंगे। जैसे ही आप शुरुआत में कॉन्टेस्ट में, शुरुआत के 10% लोगों के ही इसमें नाम आते हैं। अगर आप शुरुआत में 10% लोगों में आते हो, शुरुआत में जो 10% लोग कार खरीदते हैं, तो आपके चांस बढ़ जाएंगे। तो आपको ना क्या करना है कि यहाँ पर शुरुआत के 10% लोगों में शामिल होना है और कार्ड को हासिल करने के लिए, जब भी आपके कार्ड नंबर लग सकता है। अगर आप एक दो कार्ड नहीं खरीदना है, आपको 10 कार्ड खरीदने हैं, 10 से ज़्यादा नहीं खरीदने। तो ये होगी अपनी दूसरी बात। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि आपको कार्ड है ना, सुबह के टाइम खरीदना है, शाम के टाइम नहीं खरीदना है। क्योंकि मैं बता दूँ आपको फ्रेंड्स, क्योंकि शाम के टाइम इसके यूजर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको सुबह उठते ही देखना है इसमें हैगो में, और आपको है ना अपने कार्ड को देखना है आपके पास कितना बैलेंस है। आप अपने कॉइन्स को इकट्ठा करते रहिए पूरे दिनों के, अगर गेम खेलिए या कुछ भी कीजिए, इसमें आपको गेम ही खेलना ही पड़ेगा जब भी आप कॉइन इकट्ठे कर सकते हैं। और कॉइन इकट्ठे करने के बाद आपको सुबह इसमें कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। तीसरा पॉइंट अपना ये हो गया, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये वाला मैंने बताया था ये, कि आपको सुबह ही इसमें पार्टिसिपेट करना है, शाम को पार्टिसिपेट नहीं करना है। शाम को इसमें है ना बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ही जल्दी इसमें बंदे इकट्ठे हो जाते हैं और वो पूरा कि पूरा ख़राब हो जाता है कॉन्टेस्ट। इसमें आपके चांस बहुत ही कम रह जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। और आप सुबह कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे तो आपके चांस बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैंने आपको ये जानकारी दी है। अगर आप खुश हो तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, और फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना भाई। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो आपके लिए ऐसी लेटेस्ट वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।